इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहराइच प्रदेश में महामंत्री मत्स्य प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, श्री महा काली केवट मंत्र, चंद्रनगर घुसियारी टोला बहराइच पवित्र सावन माह के उपलक्ष्य में आयोजित तृतीय विशाल भंडारा एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील केवट ने पंकज केवट व अन्य सदस्यों के साथ मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रभारी मंत्री ने कहा कि महामुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के अति पिछड़े व शोषित वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य व्यवसायी, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य शिकार माही करने वाले मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ बीमा योजना संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय मछुआ कल्याणार्थ मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 5 लाख एवं दुर्घटना में शारीरिक अपंगता होने की दशा में 2.5 लाख का प्राविधान है। योजना में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क बीमा योजना के अंतर्गत मछुआ बीमित व्यक्ति को कोई भी प्रीमियम धनराशि देय नहीं है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर निषाद ने कहा कि झोपड़ियों और तंबू में जीवन बसर करने वाले मछुआरों को मछुआ आवास योजना के तहत सरकार से एक तोहफा दिया है, जिसके तहत बेघर और कच्चे मकान में रह रहे लोगों को मछुआ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मछुआ कल्याण कोष के तहत मछुआ समुदाय के लोगों को मुफ्त चिकित्सा और मछुआ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मछुआ समुदाय बाहुल्य गांव में बारात घर भी बनेंगे। आवास के क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगी, जिसमें रसोई घर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा। मंत्री ने कहा कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गांव, गरीब व किसानों के उत्थान में विकास के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। जिस प्रकार हरित एवं श्वेत क्रांति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी प्रकार नीली क्रांति मत्स्य संपदा के विकास में अपना योगदान दे रही है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए कोस्टल एरिया तथा 9,000 करोड़ रुपए मैदानी क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं। इसी प्रकार मत्स्य खेत नदियों एवं जलाशयों में मत्स्य प्रबंधन व संसरण के माध्यम से मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। इस नवीन राज्य योजना के तहत मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय को जलाशयों, तालाबों, नदियों एवं अन्य जल संसाधनों में बिना इंजन के नाव, जाल, लाइफ जैकेट एवं आइस बॉक्स इत्यादि उपकरण हेतु 40% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर डॉक्टर पूजा यादव, उप निदेशक मत्स्य देवी पाटन मंडल राजेंद्र सिंह। जाने नहीं, मैं आपका बेटा हूं, आपका सेवक हूं। हम जन प्रतिनिधि आपके विश्वास हैं, आप हमारे पर विश्वास करते हैं कि मंत्री जी से मिलेंगे। क्या कहेंगे आप, इसको भ्रम बताया है? भारत में अधर्मी की कोई जगह नहीं है और जनता जनार्दन होती है, उसका सबक जनता ने दिखा रखी है। वो बयान नहीं है, उन्होंने बयाना लिया है बहुजन समाज पार्टी से कि जाओ सपा को समाजवादी पार्टी बनाओ, और फिर जितना बयाना लिया उतना बोल रहे हैं। उससे क्या होगा कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले अब अखिलेश जी को बयान देना पड़ेगा कि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह ने उनके फार्म में कौन सा धर्म और जाति में, जाति में तो यादव लिखा होगा, धर्म में क्या लिखा होगा, मुसलमान, क्रिश्चियन या बौद्ध। अगर इनको तो अब जवाब देना है ना कि कृष्ण यदुवंशी हैं कि नहीं है। अब सारे यादव हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनकी जन्मभूमि यदुवंशियों की जन्मभूमि कृष्ण भूमि जो है हम मुक्त करा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारे यादव धीरे धीरे इधर आ रहे हैं और कल जमा देना पड़ेगा कि भाई उस पर मस्जिद बनाने वाले के साथ रहेंगे अखिलेश जी या कृष्ण के साथ रहेंगे, ये साबित करें कृष्ण के मंशज हैं कि नहीं है। जो उन्माद फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई। विधानसभा में जिस तरीके से इस समय
आक्रामक लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? स्वामी जी ने आसान कर दिया ना, वहाँ मुसलमान है, मुसलमान के सामने सब कोई जाति थोड़ी रहती है, मुसलमान तो तलवार उठाता है तो सब लोग हिंदू बन जाते हैं, और उन्होंने हमारी लड़ाई बहुत आसान कर दिया। वैसे भी हम लोग सबको सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के सभी जातियों को, मुसलमानों में गरीबी उन्होंने बढ़ाया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी उन्होंने बढ़ाया, अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं। कोई सिंगल मुसलमान ये कह दे कि मोदी जी ने या योगी जी ने भेदभाव किया है हमारी सरकार ने। अगर बिना भेदभाव के हम सभी जाति धर्म को दे रहे हैं तो सपोर्ट हमें दे रहे हैं, कोई वंचित तो नहीं। और वैसे भी निषाद जो नाव पर सवार आता है वो नैया पार होती है। क्या लगता है अखिलेश यादव को सांसद मरो को निशासित कर देना चाहिए पार्टी से, उन पे मुकदमा लगना चाहिए, उन्माद फैला रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह के अखाड़ा स्टार्ट करें तो शायद समाजवादी पार्टी बचेगी। ये वाड़े के पहलवान जो है ऐसे दो चार बयान देते रहे, इन्हीं के लोगों को, उन्हीं की बीवी खुदे विरोध में आ गई, इनके उनके खुदे उनके जो विधानसभा के नेता हैं प्रतिपक्ष के मनोज पांडे वो खुदे विरोध में आ गए। तो आज के दिन में जब शनेश्वर मिश्र थे तब समाजवादी पार्टी थी, अमर सिंह थे तब समाजवादी, 26 जनवरी 1950 से पहले द अपर कास्ट द चूजन बाई गॉड, ये माना जाता था कि ऊंची जात ये जो है भगवान का चुना हुआ भेजा है। लेकिन आफ्टर द 26 मैं नहीं कहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1950 को उन्होंने मीटिंग ली थी, उसमें कहा था कि वी आर चूजन बाई गॉड टूडे, बट आफ्टर देन 26 जनवरी 1915 यू आर नॉट चूजे बाई गॉड, यू आर चूजन बाई पब्लिक। अगर आप ऊँचा रहना है तो पब्लिक चुनेगी। तब अब मौर्य जी को पब्लिक ना ही वोट देता और नीचे जाता तो मैं कौन दोष है, और सभी को वोट जिसको वोट दे रही हूँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।